350 से ज़्यादा एग्जॉटिक स्पीशीज दुनिया भर से, 19 सी वाटर और 10 फ्रेश वाटर पूल्स, 13,000 फिश, लेक नाइल से क्रोकोडाइल्स, लिजर्ड्स, पॉइसनस स्नेक्स, एम्फीबियंस, इंसेक्ट्स, जो कुछ भी बोले, डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स, मैमल्स जैसे कि बैट्स होते हैं, ये सारे इस एक्वेरियम में अवेलेबल हैं। सो दोस्तों, आज हम आपको लेके चलते हैं हैमबर्ग के हैगनबर्ग ट्रॉपिकल एक्वेरियम। जुड़े रहिएगा, बहुत सारे चीज़ें देखने को मिलेगा एंड ये वन ऑफ द लाइफ टाइम एक्सपीरियंस रहेगा। दोस्तों, इस एक्वेरियम को इन लोग ने बहुत नेचुरल सराउंडिंग से बनाया गया है। अगर आप देखोगे तो जितने भी स्पीशीज़ यहाँ पे रहते हैं या जितने भी एनिमल्स या जो भी हैं, एक ऐसा लगेगा जैसे कि आप एक फॉरेस्ट के अंदर से जा रहे हो, या फिर एक ऐसे सराउंडिंग्स देखेंगे आपको जैसे कि वो एनिमल्स जिस जो यूज्ड है, जैसे कि आप देख सकते हैं एक एक चीज़ें उन लोग ने बहुत ही केयरफुली एक एक चीज़ों को उन्होंने ध्यान दिया है। अब इस एक्वेरियम को ही देख लीजिए आप, देखो रॉक्स रखे हैं, जैसे देखो अभी जैसे मैं एक कैमरा का शॉट्स दिखा रहा हूँ आपको, आप लोग को लग रहा है ना कि जैसे कि वो पानी अंडर वाटर है, तो हर एक चीज़ का ध्यान बहुत अच्छे से रखा गया है इस एक्वेरियम में। जैसे मैंने कहा, ये एक्वेरियम में बहुत सारे पूल्स हैं, फ्रेश वाटर पूल्स हैं, तो हम लोग चलते हैं एक पूल की तरफ। और ये जो पूल है इसमें क्रोकोडाइल है। हम यहाँ लिख के रखा है कि ये जो क्रोकोडाइल्स हैं ये नाइल नदी से उनको लेके आए थे यहाँ पे, और बहुत सारे फिशेस आप देख सकते हैं। चलो हम लोग देखते हैं ना, क्रोकोडाइल दिख जाएगा एंड वेट करते हैं कि पता नहीं वो कहाँ छुपा हुआ है, बट इट विल सून कम। हम लोग उसका वेट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे ना डेंजरस कुछ स्नेक्स एंड रेप्टाइल्स भी है इन्होंने रखा है, और उसको यहाँ पे एक केव है, एक छोटा सा, इसके अंदर से जाना पड़ता है। एंड थोड़ा आपको कितना वीडियो में कितना पता चल रहा है मुझे नहीं पता, बट थोड़ा डेंजरस जैसा लग रहा है ना। तो चलिए मेरे साथ में आप लोगों को मैं रेप्टाइल्स को दिखाता हूँ। आई डोंट नो ये कौन सा सांप है, लेकिन डर लग रहा है देख के वो जिस तरह से इसके अंदर और भी है। चलो हम लोग आगे जाके और देखते हैं।
अगेन हम एक्वेरियम की तरफ आ गए हैं। ये देखिए कितने अच्छे से अरेंज किया है और बहुत ही बड़ा एक एक्वेरियम है इसके बाद में, अब आपको दिखाएंगे। एंड प्लीज़ बने रहिएगा वीडियो में, देखो कितना अच्छा सुंदर लग रहा है ये। और ये सबसे बड़ा एक्वेरियम है यहाँ का, और आप लोग देख सकते हैं कि इसमें ऐसा लग रहा है जैसे हम सी की तरफ देख रहे हैं और हम लोग समुंदर के अंदर हैं और देख रहे हैं उसको। बहुत ही अच्छा नज़ारा है। आप लोगों को ये एक्वेरियम काफ़ी अच्छा लगा। एंड चलो अभी हम ऊपर की तरफ चलते हैं। यहाँ पे एक फूड कोर्ट है एंड ज़रा भूख भी लग रही है मुझे, तो सोचा कि चलो फूड कोर्ट जाके कुछ खा लेते हैं। और यहीं से हमारा एग्जिट भी है। एंड हम लोग को क्रोकोडाइल जहाँ पे देखे थे एंड उसी के पास में है ये बहुत बड़ा सा फूड कोर्ट है। तो हम लोग ने अपना खाना खा लिया है एंड चलो एग्जिट की तरफ चलते हैं। एंड मुझे लग रहा है इन लोग क्रोकोडाइल्स को देख रहे हैं, चलो देखते हैं। ये देखिए ये दूसरा वाला क्रोकोडाइल है, ये एक्चुअली दूसरा एरिया में है। एंड बाप रे डर लग रहा है देख के। ये भी नाइल से ही लिया गया है इसको। यहाँ पर इसका छोटा सा एक बोर्डिंग लिखा है एंड छोटा सा एक वाटरफॉल भी है यहाँ पर। सो फ्रेंड्स, होप आप लोगों को ये मेरा वीडियो अच्छा लगा। एंड ऐसे ही बहुत सारे नए वीडियोस आने वाले हैं एंड बने रहिएगा। आप लोग प्लीज़ शेयर कीजिएगा इसको अपने दोस्तों के साथ में और सब्सक्राइब कीजिएगा जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है। एंड बने रहिएगा, बहुत ही जल्दी नया वीडियो के साथ में आएंगे। एंड थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट टाइम मिलने तक बाय बाय।